हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हॉटस्टार स्पेशल पर रिलीज हुई एक नई सीरीज जिसका नाम है 1962 द वॉर इन द हिल्स। इसमें आपको टोटल 10 एपिसोड्स देखने मिलेंगे जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 36 मिनट से लेकर 55 मिनट्स के बीच में ये खेरी शो की कहानी फोकस करती है एक ट्रू इंसिडेंट पे। यानी कि अगर आप लोग इंडिया में रहते हो तो आपको पता है कि 1962 में इंडिया वर्सेस चाइना हुआ था, जहाँ पर 3000 चाइनीज ट्रूप्स ने कैसे लद्दाख और रिजो पोस्ट और नीपा के कुछ एरिया को कैप्चर कर लिया था। तो ऐसे में जो हमारे इंडियन सोल्जर्स है वो लोग किस तरीके से बहादुरी से अपनी जान की बाजी लगा देते, स्पेशली मेजर सूरज सिंह और उनकी सी कंपनी ने, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। फिर आप बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो अगर आप लोग इसको ये समझ के देखोगे कि यहाँ पर हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक सिर्फ वॉर से रिलेटेड ही चीज़ें देखने को मिलेगी तो आप लोग पूरी तरह से गलत हो। यहाँ पर आपको ह्यूमन रिलेशनशिप प्लस वॉर, इन दोनों का परफेक्ट मिक्सचर देखने को मिलेगा इस पूरे शो में। लेकिन अगर एक तरफ से ये इस शो की पॉजिटिविटी है तो ये इस शो की नेगेटिविटी भी है, क्योंकि इस वजह से इस शो का जो एग्जीक्यूशन है वो अप टू मार्क है नहीं। हालांकि ये शो देखने में अच्छा लगता है, एक डिफरेंट लगता है। हमने इससे पहले बहुत सारे वॉर से रिलेटेड मूवीज़ देखी है, स्पेशली जो इंडियन मूवीज़ है, लेकिन अगर ये शो को आप लोग देखोगे तो ये एक कंप्लीट एक अलग तरह का यूनिक शो देखने को मिलता है जो हमने आज से पहले नहीं देखा था। और यही चीज़ मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे सहमत हो ये भी ज़रूर है नहीं। खैर, उसके अलावा शो में कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनको इस शो में अच्छी तरह से लिखा है, और स्पेशली ये शो में जो उनके पर्सनल साइड है उसको बताया ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वजह से ये शो में मैक्स टू मैक्स एपिसोड में तो आपको उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी और वॉर से रिलेटेड बहुत ही कम देखने को मिलेगा। शो की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो यार मेरे हिसाब से अच्छी तरह से किया गया, लेकिन जो ग्रीन स्क्रीन है उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया। और जितने भी वॉर बैटल के सीन हैं वहाँ पर कुछ सीन्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ सीन आपको एकदम फेक लगते हैं। स्पेशली जो एक्सप्लोजन के सीन्स है वो तो ऐसा लगता है कि यार एकदम कंप्यूटराइज है, मतलब ज़रा भी रियलिटी नहीं लगती। इवन जो आग लगाने के सीन है वो भी एकदम फेक लगता है, उसमें भी आपको रियलिटी फील होती ही नहीं है। तो सिनेमेटोग्राफी मुझे ओके लगा, मतलब एकदम अप टू दी मार्क, एकदम परफेक्ट आप लोग नहीं कह सकते। और हाँ, बीजीएम की बात करेंगे तो बीजीएम कुछ कुछ जगह पे बहुत अच्छे है और जो सॉन्ग्स है वो भी सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये बीजीएम और जो सॉन्ग्स है वो थोड़े से चीज़ी लगते, थोड़ा ओवर दी टॉप जा रहा है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यार हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से निभाया। हाँ, बस जो उनकी डबिंग थी, मतलब स्पेशली जो मराठी एक्टर्स थे जब वो हिंदी बोल रहे थे तो समझ में आ रहा था कि वो ठीक तरह से नहीं बोल पा रहे, लेकिन वो इतना बड़ा इशू है नहीं, वो तो मैनेजेबल है। और अगर शो की एडिटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर एडिटिंग अच्छी तरह से नहीं की गई है। ये शो में जो 10 एपिसोड है, मेरे हिसाब से अगर 8 एपिसोड होते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। डायरेक्शन भी मुझे ओके लगा, महेश पांजरे का सर का जो डायरेक्शन है वो जेपी दत्ता जैसा ज़बरदस्त नहीं है, क्योंकि वॉर से रिलेटेड मूवीज़ मेरे हिसाब से हमारे इंडिया में उनसे बेटर कोई नहीं बना पाता। और महेश पांजरे का सर ने कोशिश अच्छी की है, लेकिन बॉर्डर मूवी अगर आपने देखी तो ये सीरीज़ उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई अनफॉर्चुनेटली। मेंटल गाइडेंस की बात करें तो शो में एक ही जगह पे किसिंग सीन है, हाँ एक ही जगह पे, उसके अलावा ऐसी कुछ भी सीन्स नहीं है जो आप लोग अपने घर वालों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो वो सीन को आप फास्ट फॉरवर्ड कर दो, उसके बाद आप लोग इन्जॉय करो। और मैं शो को रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। तो बस यार, इस वीडियो में इतने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। और अगर आप लोगों ने इस शो को देखा तो आपका क्या ओपिनियन है वो ऑनेस्टली शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।